Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800 2007 and steel tables of any standard publication. We've discussed the following topics in the previous lectures. In the last lecture, we discussed a numerical problem on design of bolts in a lap joint. So, lap joint ka agar aapko क्वेश्चन रिफर करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. इस लेक्चर में हम सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बट जॉइंट का टाइप बदल देंगे. सो डिजाइन द फॉलोइंग जॉइंट्स यूजिंग ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ विड्थ 200 mm एंड थिकनेस 10 mm एंड 18 mm रिस्पेक्टिवली टू ट्रांसमिट एन अनफैक्टर्ड लोड ऑफ 100 kN. Using a lap joint, आपको कौन कौन से joints दे रखे हैं? यहाँ पे लिखा है following joints. तो एक बोला है lap joint जो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, सिंगल कवर बट जॉइंट जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, और डबल कवर बट जॉइंट विद कवर प्लेट्स 8 mm थिक, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. हमें और क्या गिवन है? FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील एंड M16 बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6. तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास. एक प्लेट की थिकनेस है 10 mm. T1 में लिख सकती हूँ 10 mm, T2 में लिख सकती हूँ 18 mm, और क्योंकि ये कवर सिंगल कवर बट जॉइंट है तो हमें कवर प्लेट भी यूज करनी है जिसको मैं लिख सकती हूँ TC, और उसकी थिकनेस हमें गिवन है 8 mm. तो अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास एक प्लेट है जो 18 mm थिक है, तो वो थोड़ी ब्रॉडर या थिकर प्लेट होगी. एक प्लेट है हमारे पास जो 10 mm थिक है, तो ये 10 mm थिक प्लेट हो गई, और इसके ऊपर हमने क्या प्रोवाइड करी है? एक कवर प्लेट प्रोवाइड करी है इस तरीके से. तो अगर आप देखें इनकी डायमेंशंस तो हमें एग्जैक्टली नहीं गिवन बट थिकनेसेस गिवन है. इसकी थिकनेस है 8 mm, इस प्लेट की थिकनेस है 10 mm, और इस प्लेट की थिकनेस है 18 mm. तो आप ध्यान रखें, जब आप सिंगल कवर बट जॉइंट बनाते हैं तो अगर हमारे पास दो प्लेट्स जिनको जॉइन करना है उनकी थिकनेस वेरी करती है तो आप एक साइड पे उनको, एक एज पे उनको मिला देंगे, कोइंसाइड करवा देंगे, और उस एज पे क्या लगा देंगे? कवर प्लेट लगा देंगे. तो इस तरीके से बनाया जाता है सिंगल कवर बट जॉइंट का डायग्राम. अगर आपके पास, या जॉइंट कैसे दिया जाता है अगर आपके पास दो डिफरेंट थिकनेसेस की प्लेट्स हैं. अब यहाँ पे हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि विड्थ ऑफ द प्लेट. तो विड्थ ऑफ द प्लेट अगर मैं इसको ऐसे मानूं तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूड है, पर इसकी विड्थ जो है प्लेट की, ये डायमेंशन जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट हमें दे रखी है, दैट इज 200 mm. तो ये इम्पोर्टेंट है. अगर मैं कोई भी प्लेट जो हम यहाँ पे यूज करें, चाहे वो 18 mm थिक है चाहे वो 10 mm थिक है, उसकी जो विड्थ दे रखी है वो विड्थ कितनी है हमारे पास? 200 mm ही है उसकी विड्थ. तो अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाना चाहूँ और मान लूं कि ये हम प्लान बना रहे हैं, तो ये डॉटेड लाइन क्या मुझे शो कर रही है? जो ये जॉइंट है यहाँ पे कुछ इस तरह से. तो ये दो हमारी प्लेट 1 प्लेट 2, अगर मैं इसको प्लेट 2 बोल दूं और इसको प्लेट 1 बोल दूं, तो ये हमारे पास प्लेट 2 है, ये हमारे पास प्लेट 1 है, और ये हमारे पास कवर प्लेट है. सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दैट इज द कवर प्लेट. तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है. ये हो गया इसका साइड एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन, और ये हो गया इसका प्लान. तो ये आपके पास फिगर बन गया है. अब इस फिगर की हेल्प से हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे और देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. हमें गिवन है अनफैक्टर्ड लोड. तो मैं लिख सकती हूँ इसको, अनफैक्टर्ड लोड को सिंपली V इज इक्वल टू 100 kN. तो हमें क्या करना होगा? हमें तो इसको फैक्टराइज करना होगा. तो इसके है अनफैक्टर्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अनफैक्टर्ड है. अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो हमें पता है कि हम एक फैक्टर यूज करेंगे, दैट विल बी 1.5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 150 kN. तो 150 kN का आपके पास फैक्टराइज्ड लोड है, जिसे हम बोल सकते हैं V S डी। तो ये वीएसपी हमें कितना गिवन है 150 किलो न्यूटन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्टराइज लोड दे रखा है। फिर हमें क्या गिवन है, हमें स्टील का ग्रेड गिवन है। स्टील का ग्रेड गिवन है मतलब एफ यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील से हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में हमें गिवन है कि बोल्ट का डायामीटर कितना है, बोल्ट का डायामीटर है 16, क्योंकि M16 बोल्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ये टर्म होती है ये हमें क्या बताता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो नॉमिनल डायमीटर कितना है कितना है 16 mm। फिर हमें पता है FUB, तो FUB कितना होगा, FUB हम क्लास ऑफ द बोल्ट या ग्रेड ऑफ द बोल्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप टाइप्स ऑफ बोल्ट स्पेशली ब्लैक बोल्ट्स के वीडियो को रिफर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि मैंने FUB और FUY कैसे कैलकुलेट किया। तो FUY will be equal to 0.6 into 400, which is equal to 240 न्यूटन पर mm square। तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। सिंगल कवर बट जॉइंट है, 8 mm की कवर प्लेट है, एंड ऑल दिस डिटेल्स हैव बीन गिवन टू अस। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं विद दीज गिवन डिटेल्स। तो अगर मैं बोलूं तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि VSB इज इक्वल टू फैक्टर्ड शियर फोर्स इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से ताकि हमें याद रहे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हम शियर की बात करते हैं। जब हम शियर की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सिंगल शेयर है कि डबल शेयर है। तो उसके लिए फॉर ईज अगर मैं यहाँ पे एक बोल्ट ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ये मैंने एक बोल्ट ड्रॉ कर दिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने इंटरफेसेस फॉल कर रहे हैं जिसमें बोल्ट की शेयर होने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखें कि बोल्ट शेयर सिर्फ इस इंटरफेस से हो सकता है, क्योंकि यहीं पे कवर प्लेट और प्लेट के बीच में ही एक इंटरफेस बन रहा है जहां से बोल्ट क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। अगर आप दूसरी प्लेट के साथ भी बोल्ट बना देते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी बोल्ट बना देती हूँ, तो भी मेरे पास एक ही इंटरफेस आ रहा है जिसपे बोल्ट क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, और वो इंटरफेस है ये सेंटर वाला, यहाँ पे जहाँ पे ये वाला जो कवर प्लेट है या प्लेट है वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, या उनके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है। तो यही हर बोल्ट में आप देख सकते हैं कि कितने शेयर प्लेन्स हमारे पास एक्ट करे, सिर्फ वन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैसा शेयर है, सिंगल शेयर में है हमारा बोल्ट। तो सिंगल शेयर के केस के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे। तो जब आपने सिंगल शेयर के लिए डिजाइन करना है तो लेट्स स्टार्ट। VDSB is equal to VNSB upon gamma MB as per clause 10.3.3। तो VNSB पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। VNSB क्या है, VNSB is equal to FU upon root 3 into NNANB plus NSASB। तो ये हमें गिवन है, बट हमें पता है कि अगर आप नेक्स्ट क्लॉजेस क्लॉज 10.3.3.1 को देखेंगे तो आपके पास लॉन्ग जॉइंट्स के लिए क्लॉज आएगा। अगर आप क्लॉज 10.3.3.2 को देखेंगे तो आपके लिए लार्ज ग्रिप के लिए क्लॉज आएगा, और 10.3.3.3 के लिए देखेंगे तो आपके पास पैकिंग प्लेट के लिए आएगा। अब ये क्लॉजेस क्या करते हैं, आपको रिडक्शन फैक्टर्स देते हैं। फर्स्ट क्लॉज देगा बीटा एल जे, नेक्स्ट क्लॉज आपको देगा बीटा एल जी, एंड थर्ड क्लॉज आपको देगा बीटा पी के। तो हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये क्लॉजेस या इनकी वैल्यू कैसे रहेगी। अब क्योंकि हम ये सारे क्लॉजेस यूज करते हैं तो हम अपने क्वेश्चन हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। बीटा एल जे इंटू बीटा एल जी इंटू बीटा पी के। तो अब इन सब की वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले तो बीटा एल जे की वैल्यू देखते हैं। अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी लेंथ ऑफ द जॉइंट नहीं मेंशन है कि ये लेंथ कितनी है जॉइंट की, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस लेंथ ऑफ द जॉइंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन टू अस, इसलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, बीटा एल जे इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको अज्यूम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ग्रिप लेंथ पे। तो ग्रिप लेंथ क्या है, अगर हमें बोलता है कोड कि अगर ये जो ग्रिप लेंथ है एल जी एक्सीड करती है 5D से, एक्सीड करती है मतलब बड़ी है, तो ये बोल रहा है एल जी अगर बड़ा है 5D से, तो आपको क्या यूज करना होगा, बीटा एल जे जी यूज करना होगा। अगर हम क्या करें, अगर हम एल जी को छोटा रखें 5D से, तो इसका क्या मतलब है कि बीटा एल जी इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब आपको कोई रिडक्शन नहीं यूज करनी होगी। तो हम पहले चेक करते हैं कि हम कौन सी केस में फॉल कर रहे हैं। अगर हमारा केस ये रहता है कि एल जी इज लेस देन 5D, तो हम बीटा एल जी को कितना ले लेंगे, इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास दो ग्रिप लेंथ है। एक ग्रिप लेंथ है जो थिकर प्लेट और कवर प्लेट की टोटल थिकनेस आ रही है, और दूसरी ग्रिप लेंथ है जो थिनर प्लेट और कवर प्लेट की थिकनेस आ रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम तो मैक्सिमम वैल्यू चाह रहे हैं, क्योंकि हमने चेक करना है कि वो 5D से बड़ा तो नहीं है। तो हम कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, इस वैल्यू को चेक करेंगे। अगर मेरी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो छोटी थिकनेस है, ये छोटी ग्रिप लेंथ है, ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी। तो हम इसको चेक करेंगे बड़ी थिकनेस के लिए। सो आई कैन राइट एल जी 1 इज इक्वल टू 18 + 8 which is equal to 26 mm। तो मेरे पास ग्रिप लेंथ कितनी आई, 26 mm। अब 5D चेक करते हैं, 5D कितना है, 5 × 16, क्योंकि डायमीटर हमें बोल्ट का कितना दिया है, 16 mm। दिस इज इक्वल टू 80 mm। तो हम देख सकते हैं कि LG जो है वो लेस देन 5D है, क्योंकि 26 इज स्मॉलर देन 80। तो हम इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिसका मतलब है विच इम्प्लाइज बीटा एल जी विल बी इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास दो रिडक्शन फैक्टर्स तो किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल हो गए। अब बचता है थर्ड रिडक्शन फैक्टर। थर्ड रिडक्शन फैक्टर है पैकिंग प्लेट के लिए। तो हम पैकिंग प्लेट तो यूज ही नहीं कर रहे हैं पूरे अपने फिगर में। अगर आप देखें नॉट बीइंग यूज्ड, तो मैं लिख सकती हूँ नॉट यूज्ड। अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पे हमने कोई पैकिंग प्लेट नहीं यूज करी, हमने इन दोनों एजेस को इस कवर प्लेट के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो कोई पैकिंग प्लेट की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो यहाँ पे पैकिंग प्लेट यूज नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है, बीटा पी के विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, क्योंकि कोई रिडक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर हम पैकिंग प्लेट यूज नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोल दिया कि इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 1 के इक्वल होगी है। तो अगर हम इनको ना भी लगाएं तो भी सेम चीज है। सो आई कैन राइट वी एन एस बी इज इक्वल टू एफ यू अपॉन √3 इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी इंटू बीटा एल जे बीटा एल जी एंड बीटा पी के। सो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पूरा फॉर्मूला लिखें, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है तो भी आपको फॉर्मूला का मार्क्स मिल जाएगा, कुछ परसेंटेज। अगर आप कोड से ही आपने कॉपी करना है, क्योंकि कोड में दे रखा है, अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं तो अगर कैलकुलेशन एरर है तो आपको कोई क्रेडिट उसमें नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, ये सारी तीनों वैल्यूज तो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू 1 होगी। अब बात बचती है NN और NS की। तो क्योंकि हमारा जो फिगर है या जो हमारा जॉइंट है वो सिंगल शेयर में है, तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि NN इज इक्वल टू 1, क्योंकि सिंगल शेयर में हम क्या अज्यूम करते हैं, NN इक्वल टू 1 और NS इक्वल टू 0, ताकि हम क्या रहें, सेफ साइड पे रहें। सेफ साइड पे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जब मैं NN इक्वल टू 1 अज्यूम कर रही हूँ तो मैं मान रही हूँ कि ये जो शेयर प्लेन है ये कौन से पोर्शन में फॉल कर रहा है, थ्रेडेड पोर्शन में फॉल कर रहा है। और थ्रेडेड पोर्शन का एरिया क्या होता है, कम होता है। क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन का एरिया कम होता है तो मैं किसकी वैल्यू कम निकाल रही हूँ, VNSB की वैल्यू कम निकाल रही हूँ। तो अल्टीमेटली जो आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं बोल्ट की वो आप कम ले रहे हैं। अगर आप स्ट्रेंथ कम ले रहे हैं बोल्ट की, मतलब आप सेफर साइड चल रहे हैं। तो इसमें अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ ए एन बी इज इक्वल टू 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 156.83 mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। ए एन एस को अब कैलकुलेट करने की जरूरत, एस बी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने कितना कर दिया, इक्वल टू 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज बची, वी एन एस बी विल बी इक्वल टू एफ यू की वैल्यू। अब यहाँ पे ये सिंपली एफ यू नहीं है, ये क्या है, एफ यू बी। तो ये वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय √3 इंटू एन एन इज 1, ए एन बी इज इक्वल टू 156.83 विच इज फर्दर इक्वल टू we get a value of 36217.9 न्यूटन। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो है ये सेम है लैप जॉइंट के केस की। तो लैप जॉइंट में भी हमें यही वैल्यू मिली थी क्योंकि सिंगल शेयर था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेम एज लैप जॉइंट। चाहे हमने यहाँ पे जॉइंट चेंज कर दिया है बट वैल्यू सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमें क्या निकालना है, VDSB कैलकुलेट करना है। तो VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB। अब गामा MB हम कहाँ से लेंगे, गामा MB हम लेंगे टेबल 5 से और उसकी वैल्यू कितनी है 1.25। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ T5 मीन्स फ्रॉम टेबल 5। तो ये मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इक्वल टू VNSB is equal to VDSB is equal to VNSB upon gamma MB। So value थी मेरे पास 36217.9 divided by 1.25 which is equal to 28974.35 Newton। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज 28.97 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर आप इसको सिंपली किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 28.97 किलो न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो ये पर बोल्ट है, एक बोल्ट की वैल्यू आई है हमारे पास, दिस इज पर बोल्ट। और ये वैल्यू भी सेम है जितनी हमें लैप जॉइंट में मिली थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम एज लैप जॉइंट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लैप जॉइंट और सिंगल शेयर बट जॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो सिंगल शेयर में होते हैं, लैप जॉइंट भी और सिंगल कवर बट जॉइंट भी। सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बेयरिंग कैलकुलेट करने का। तो बेयरिंग होता है एज पर क्लॉज 10.3.4। तो आपको ये क्लॉजेस लिखने बहुत जरूरी है कि ये कौन से क्लॉज से है। 10.3.4 क्लॉज से आप वैल्यू ले रहे हैं। तो वो बोलता है VDPB इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB। तो उसके पहले कहता है VNPB कैलकुलेट कीजिए, नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो अगर हम लिखें VNPB इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स KB इंटू D इंटू T इंटू FU। तो सबसे पहले हमें KB कैलकुलेट करना होगा। KB के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें एंड डिस्टेंस और पिच कैलकुलेट करना होगा। तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम एंड डिस्टेंस की बात करें तो वही क्लॉज हमें लिखना होगा। एंड डिस्टेंस के लिए हम क्लॉज यूज करते हैं 10.2.4.2। तो वो बोलता है E minimum इज इक्वल टू 1.5 DH। तो DH कहाँ से आएगा, DH आएगा फ्रॉम टेबल 19। तो फ्रॉम टेबल 19 DH will be equal to 16 plus 2 क्योंकि मैं क्या मानूंगी, स्टैंडर्ड क्लियरेंस बोल्ट मानूंगी। तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस बोल्ट के लिए DH कितना हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18 mm। ठीक है, तो यहाँ पे ई मिनिमम मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ 1.5 × 18 विच इज इक्वल टू आई हैव अ वैल्यू 27 mm। अब नेक्स्ट आता है क्लॉज 10.2.4.3 से हम क्या निकालेंगे ई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे कितना होगा, मैक्सिमम होगा 12t मिनिमम का और इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज गिवन एज 250 डिवाइडेड बाय fy। तो 250 डिवाइडेड बाय fy अंडर द रूट। तो जब आप प्लेट का fy देखेंगे तो प्लेट का fy कितना होगा 250 होगा 410 ग्रेड स्टील के लिए, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एप्सिलॉन की 1 होगी। अब बात करते हैं टी मिनिमम की। तो टी मिनिमम क्या होगा, आपके पास कितनी प्लेट्स थी, अगर हम गिवन डेटा में जाएं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 3 प्लेट्स हैं 10 mm, 18 mm और 8 mm, और दोनों ही जॉइंट्स में मिनिमम थिकनेस कितनी आ रही है हमारे पास 8 mm आ रही है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन चेंज करनी हो, हमें क्या यूज करना होगा टी मिनिमम इक्वल टू 8 mm। तो टी मिनिमम हमारे पास है 8 mm। सो ई मैक्स विल बी इक्वल टू 12 × 8 which is equal to 96 mm। तो ये 96 mm आ गया हमारे पास। अब हमारे पास रेंज सेट हो गई है, एक रेंज है 27 mm से बड़ा होना चाहिए और 96 mm से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं E equal to 40 mm। तो ये हमने E अज्यूम कर लिया एंड डिस्टेंस कि हम 40 mm ले लेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों रेंज के विद इन फॉल कर रहे हैं। आपको ये कैलकुलेशन शो करना जरूरी है। नेक्स्ट है पिच की कैलकुलेशन। तो पिच हमें मिलेगी क्लॉज 10.2.2 से। तो मिनिमम पिच की वैल्यू होती है 2.5 × d। तो 2.5 × d इज 2.5 × 16 विच इज इक्वल टू 40 mm। तो ये हमारे पास आ गया 2.5 × d। पिच मैक्सिमम आएगा हमारे पास क्लॉज 10.2.3.2 से। हम ले रहे हैं पिच मैक्सिमम क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये जो जॉइंट है ये किसमें है, टेंशन में है। अगर हम देखें तो लोड हमारा इस तरीके से लगेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो मैंने इसको टेंशन में अज्यूम कर लिया है। तो अगर हम टेंशन में अज्यूम कर रहे हैं इसको तो हम क्या मान सकते हैं 16t मिनिमम और 200 mm। तो जो भी इनमें से लीस्ट वैल्यू होगी। तो t मिनिमम तो अभी भी हमारे पास क्या रहेगा 8 mm ही रहेगा, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 128 mm। तो दिस इज 128 mm। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू हमें लेनी है पी मैक्स की। तो दैट इज इक्वल टू 128 mm। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी जो पिच है वो 40 mm और 128 mm के बीच में फॉल करनी चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पिच इक्वल टू 50 mm क्योंकि हमें जो जॉइंट है उसकी लेंथ नहीं दे रखी। अगर जॉइंट की लेंथ दी होती तो हमें उसको कंसिडर करना था कि जॉइंट की लेंथ इतनी है, तो हम फिर कैलकुलेट करते कि इतने बोल्ट्स अगर लगने हैं या कुछ assumptions हमें और करनी पड़ती। तो यहाँ पे हम assume कर रहे हैं pitch is equal to 50 mm। तो अब हमारे पास pitch भी आ गई है, edge distance भी end distance भी आ गया। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं kb के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं E/3 d naught। d naught अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो end distance is 40 × 3 × 18 which calculates to be equal to 0.74. Next formula is pitch upon 3d naught minus 0.25. So this is equal to pitch हमारे पास है 50 mm upon 3 × 18 minus 0.25 which is equal to 0.679. Next है हमारे पास FUB upon FU। तो FUB is 400 and FU is equal to 400 pin। बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 है और प्लेट का है 410। सो दिस रेशियो इज इक्वल टू 0.976 और लास्ट वैल्यू कितनी है इक्वल टू 1। तो हमें सिलेक्ट करना है इस वैल्यू और इस वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू। तो इसमें से लीस्ट कौन सी वैल्यू है, इसमें इन सब में से लीस्ट है हमारे पास। अगर आप देखें ये और ये, इनमें से लीस्ट वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू 0.679। तो KB किसके इक्वल हो गया है 0.679। अब देखते हैं कि बाकी क्या टर्म्स बची हैं इस फॉर्मूला में हमारे पास। तो T बचा है। व्हाट इज T? T कोड बोलता है इट इज द समेशन ऑफ द थिकनेसेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बेयरिंग, पर एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है? T is the least of the thicknesses of the main plate and sum of the cover plate thicknesses। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से, ये हमारी कवर प्लेट है और ये हमारी मेन प्लेट्स हैं। तो एक मेन प्लेट की थिकनेस है 18 mm और दूसरी मेन प्लेट की थिकनेस है 10 mm। तो हमें क्या लेना है, अगर आप फिर से स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो बोलता है कि जो लीस्ट थिकनेस है आपकी मेन प्लेट की थिकनेस और आपकी सम ऑफ कवर प्लेट। सम ऑफ कवर प्लेट्स मतलब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही कवर प्लेट है, तो जब एक ही कवर प्लेट है तो उसकी थिकनेस कितनी है TC। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ कवर प्लेट, समेशन ऑफ कवर प्लेट्स थिकनेसेस, तो यहाँ पे कितनी है 8 mm है। और बोलता है कि मेन प्लेट की कितनी थिकनेस है, तो अगर मैं T1 बोलूँ तो T1 इज 18 mm, T2 बोलूँ तो T2 कितना है इक्वल टू 10 mm। तो हमारे पास इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, इसमें से लीस्ट वैल्यू है इक्वल टू 8 mm। तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, 8 mm लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप T की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 8 mm यूज करेंगे। सो आई कैन राइट VNPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.679 into 16 into 410 into 8। 8 क्या है T मिनिमम जो है हमारे पास, ये वैल्यू आती है इक्वल टू 89084.8 न्यूटन। अब बात करते हैं जो हमने VDPB निकालना है। तो VDPB इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा एम बी। गामा एम बी हमें पता है टेबल 5 से 1.25 है और VNPB हमने अभी कैलकुलेट करा 89084.8। सो दैट इज इक्वल टू 71267.8 न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास VDPB की वैल्यू, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 71.26 इंटू 10⁵ न्यूटन, या फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हैं 71.26 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गई VNPB की वैल्यू। तो ये कैसा है, पर बोल्ट वैल्यू है। अगेन ये कैसी वैल्यू है, पर बोल्ट। तो यहाँ पे हमने पर बोल्ट कैलकुलेट कर लिया है कि पर बोल्ट इतना जो है बेयरिंग का स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर बोल्ट का। तो अब हमें पता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं किसी भी ब्लैक बोल्ट के लिए तो शेयर और बेयरिंग दोनों की वैल्यू से जो मिनिमम वैल्यू है आपको वो लेनी है। तो शेयर की वैल्यू हमारे पास आई थी 28.97 किलो न्यूटन शेयर के केस में, और बेयरिंग के केस में हमारे पास वैल्यू आई है 71.27 किलो न्यूटन। तो इनमें से हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, इनमें से हम ऑब्वियसली लीस्ट वैल्यू ले लेंगे, और वो लीस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल टू 28.97 किलो न्यूटन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल्ट वैल्यू। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सेम है जितनी लैप जॉइंट के केस में आई थी। तो लैप जॉइंट के केस में भी यही वैल्यू आई थी हमारे पास, बोल्ट वैल्यू। तो आई कैन राइट सेम एज लैप जॉइंट। तो ये हमारे पास बोल्ट वैल्यू है किलो न्यूटन। बोल्ट वैल्यू क्या मतलब है? बोल्ट वैल्यू है कि ये हमारी बोल्ट की स्ट्रेंथ है जो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 71 ऑल्दो बेयरिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ है पर उसको पहुंचने से पहले वो किसमें फेल कर जाएगा, शेयर में फेल कर जाएगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड आर इक्वल टू जो फैक्टर्ड लोड था, 150 किलो न्यूटन, और जो हमारी बोल्ट वैल्यू आई है, बोल्ट वैल्यू है 28.97, तो ये आता है इक्वल टू 5.17। 5.17 बोल्ट्स तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे। तो मतलब हम कितने बोल्ट्स यूज करेंगे, 6 बोल्ट्स यूज करेंगे। तो अब हम